हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे होम शॉपिंग को। ठीक है, सो लेट्स कवर। आई होप आपने लास्ट लेक्चर भी अटेंड कर लिया होगा। अगर उसमें कोई डाउट और क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ टॉपिक इज रिलेटेड टू कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स। जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स। तो इसमें हम बात करेंगे होम शॉपिंग की, और इसी लेक्चर में इंक्लूड करेंगे टेलीविजन बेस्ड शॉपिंग को और कैटलॉग बेस्ड शॉपिंग को। ठीक है, और होम एंटरटेनमेंट। सो लेट्स कवर वट इज द मीन ऑफ होम शॉपिंग एंड हाउ इट इज प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वर्ल्ड। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज होम शॉपिंग। मतलब कि होम शॉपिंग सिंप्लिसिटी वी प्रिज्यूम इट इज टेलीविजन बेस्ड शॉपिंग। होम शॉपिंग इज अ टेलीविजन, इट इज टेलीविजन बेस्ड शॉपिंग। इट मे बी नोटेड दैट दिस कॉन्सेप्ट इज पिकिंग अप नाउ इन इंडिया इन अ वेरी स्मॉल वे, वेयर इन द चैनल सेट अपार्ट ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर ब्रॉडकास्टिंग टाइम टू टेली शॉपिंग। ओके, सो इन द सिंपलेस्ट केस द चैनल्स डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड द कस्टमर कैन ऑर्डर आइटम ओवर द फोन। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है वो ऑन द टेलीविजन आपको इट इज टेलीविजन बेस्ड शॉपिंग। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज है टेलीविजन पे हम देख रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और ओवर द टेलीफोन हम उसको ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो क्या है, होम शॉपिंग का एग्जाम्पल है जिसको टेलीविजन बेस्ड शॉपिंग कहते हैं। ठीक है, सो इट इज टेलीविजन बेस्ड शॉपिंग। थोड़ा सा यहाँ पे कंटेंट लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स के लिए प्रॉब्लम ना हो। इसमें क्या होता है, चैनल डिस्क्राइब करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट को। चैनल्स डिस्क्राइब वेरियस प्रोडक्ट various aspects of their product and customer can order items over the phone. So the goods are delivered to his home and payment can be made in the normal modes. ठीक है, so goods are delivered to his home and payment can be made in normal modes. So in a more sophisticated version, orders can be placed online through computers and payment also can be made through the credit or debit cards. ठीक है, अब इसमें कुछ changes हो गए हैं। जैसे आज के टाइम में अगर हमने कोई भी order किया है तो हम उसको online ही उसका payment कर सकते हैं। ठीक है, और systems के through, mobile phones के through हम कोई भी product order भी कर सकते हैं। So it may be noted that several concept of traditional marketing like negotiation, trial testing are missing from this scheme. ठीक है, जैसे क्या होता था कि भाई अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए किसी भी एक शॉप पे जा रहे हैं,
तो वहां पे हम उसके प्राइस को लेके नेगोशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर बार्गेनिंग वहां पे हो सकती है और ट्रायल टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें मिस रहती हैं किसमें, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम में, ऑनलाइन परचेजिंग सिस्टम में, ठीक है। सो दिस स्कीम मिस एंड इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर दोज कस्टमर्स हु आर ऑलमोस्ट श्योर अबाउट व्हाट दे नीड टू बाय एंड वेयर एंड हु आर टू बिजी टू गो टू द शॉप्स, ठीक है। और वैसे भी अगर मैं बात करूँ मेट्रो सिटीज की, तो वहां पे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में होती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो ऐसे में वो अपनी जो भी उनकी नीड्स हैं उन उसको ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू फुलफिल करते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग ये भी है कि उन्हें पता होता है, एक्चुअली दे नो अबाउट द प्रोडक्ट, कि भी उन्हें क्या चाहिए, कितनी कॉस्ट में चाहिए, कितने प्राइस, कितने अंडर प्राइस में चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से इजीली वो उनको पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके या चैनल पे जाके ऑर्डर करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करके उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आज के टाइम में तो ऑनलाइन शॉपिंग को हर जगह प्रमोट किया गया है। नाउ एवरी कस्टमर इज नोन एंड अवेयर अबाउट द ऑनलाइन शॉपिंग, वेदर ही एंड शी इज टू बिजी और नॉट, ठीक है। क्योंकि कोई भी आज के टाइम में शॉप पे नहीं जाना चाहता, वो ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो देयर इज हार्डली एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरेक्शन एंड देयर इज लिटिल स्कोप टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा। लेकिन इन सब चीजों की वहां पे क्या है, फिर स्केयरसिटी है, ठीक है। देयर इज हार्डली एनी कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रैक्शन एंड देयर इज लिटिल स्कोप टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर सेल्स सर्विसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका फर्स्ट पॉइंट, टेलीविजन बेस्ड शॉपिंग। टेलीविजन बेस्ड सेकंड वन है कैटलॉग, कैटलॉग बेस्ड शॉपिंग, ठीक है। सो फर्स्ट वन है टेलीविजन बेस्ड शॉपिंग। इट इज लॉन्च इन 1977 बाय होम शॉप नेटवर्क, ठीक है। यानी कि टेलीविजन बेस्ड शॉपिंग की शुरुआत 1977 से हो गई थी। किसके द्वारा हुई? होम शॉपिंग नेटवर्क के थ्रू। सो इट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ गुड्स रेंजिंग फ्रॉम क्लॉथिंग, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउसवेयर, ज्वेलरी एंड कंप्यूटर्स। इट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ गुड्स रेंजिंग फ्रॉम क्लॉथिंग, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउसवेयर, ज्वेलरी एंड कंप्यूटर, ठीक है। होम शॉपिंग नेटवर्क स्टार्टेड इन फ्लोरिडा इन 1977। इट मेनली सोल्ड फैक्ट्री ओवररन्स एंड द डिस्काउंटेड आइटम्स, डिसकंटिन्यूड आइटम सॉरी, ठीक है। तो जर्नली इसको स्टार्टिंग जो किया गया था उसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई इट मेनली सोल्ड फैक्ट्री ओवर रन्स, जो फैक्ट्री में आइटम्स ओवर रन्स हो जाते हैं उनको शॉप सेल करने के लिए होम शॉपिंग नेटवर्क की शुरुआत की गई थी। इट वर्क्स द कस्टमर यूज द हर रिमोट कंट्रोल एट शॉप डिफरेंट चैनल्स विद टच ऑफ बटन्स
at this time, cable shopping channels are not truly interactive. Okay. Second one is catalog-based shopping. In this customer identify the various catalogs. तो यहाँ पे क्या होता है, एक कैटलॉग्स का प्रोसेस होता है भाई। कैटलॉग्स पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट देखते हैं और उसके बाद फिर उसको परचेज करने का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सो इन दिस कस्टमर आइडेंटिफाई द वेरियस catalogs that fit certain parameter such as safety price and quality. ठीक है। So the online catalog business consists of vouchers, CD-ROM and interactive catalogs. करंटली वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स, तो करंटली हम इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैटलॉग बेस्ड शॉपिंग कहते हैं। तो ये दो टाइप्स थे होम शॉपिंग के, टेलीविजन बेस्ड शॉपिंग और दूसरा था कैटलॉग बेस्ड शॉपिंग, ठीक है। आज के टाइम में ई कैटलॉग भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स भी आ गए हैं, वाउचर्स जिनको यूज करके आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। होम शॉपिंग सिंपल सा टॉपिक था, शॉर्ट टॉपिक्स में पूछा गया है कई बार, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। थैंक यू।